बात है उस गुलाम का जो दमिश्क के बाजारों में धक्के खाते फिरता था। उसकी सूरत हाल देखकर लोग यही अंदाजा लगा सकते ये एक गुलाम की बदतरीन जिंदगी के अलावा कुछ ना कर सकेगा। जैसे ही वक्त ने अपनी करवटें बदली, उसे गुलाम से मिस्र का सुल्तान बना दिया। सल्तनत के गद्दी पर बैठते ही उसने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने भी उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी सेकंड के नाम से याद किया। सुल्तान ही ऐसा जिसका नाम सुनते ही मंगोल गीदड़ों की तरह दुम दबाकर फरार हो जाते और सलीबी ठर ठर कांपते। सुनने में कोई फिल्म की दास्तान, लेकिन एक हकीकत। देखिए सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स की बहादुरी और हैरतनाक कारनामों से भरपूर वाकियात सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री नेटवर्क यानी IH नेटवर्क पर।